दोनों इधर भैया इधर बार बार दिन ये आए बार बार दिन ये गाए बार बार दिन ये आए बार बार दिल ये गाए तुम जियो हजारों साल ये मेरी है आरज़ू हैप्पी बर्थडे टू यू पवन जी हैप्पी बर्थडे Happy birthday to you, Power Star. Happy birthday to you. पवन जी का जन्मदिन है, इस खास मौके पर क्या विश करना चाहेंगे आप पवन जी? अरे विश करिए, आज पवन जी का जन्मदिन है, हमारे इंडस्ट्री के सुपरस्टार पावर स्टार एंड बादशाह कह सकते हैं, पता नहीं क्या क्या कहें, शब्द बहुत कुछ कह सकते हैं आप। एंड हम लोग बहुत खुश हैं, हैप्पी हैं, पूरी इंडस्ट्री आई हुई है उनके जन्मदिन पे, और उन्होंने आफ्टर लॉकडाउन, आफ्टर कोरोना तो खैर चल ही रहा है अभी, बट आफ्टर लॉकडाउन इंडस्ट्री के लोग जो हैं वो आज पहली बार आफ्टर 2021 में 10 महीने बाद सब लोग एक साथ मिले हैं, तो उसमें भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है उनको, पार्टी उन्होंने पार्टी थ्रू किया, मज़ा भी आ रहा है, सारे लोग जुटे हुए हैं, बहुत दिनों बाद हम लोग मिले हुए, बहुत दिनों बाद लॉकडाउन के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि इनकी बर्थडे पार्टी में हम लोग मिले हुए हैं, और भगवान से दुआ है, माता रानी से दुआ है कि बहुत ही तरक्की और ज़्यादा नाम हो इनका। पवन जी के लिए कोई गाना गुनगुना दे। गाने तो बहुत सारे हैं, बट जब गाने की बात आती है तो समझ नहीं आता, बट दो लाइन बार बार दिन ये आए बार बार दिन ये गाए बार बार दिन ये आए बार बार दिल ये गाए तुम जियो हजारों साल ये मेरी है आरज़ू हैप्पी बर्थडे टू यू पवन जी हैप्पी बर्थडे टू यू पवन जी हैप्पी बर्थडे टू यू पावर स्टार हैप्पी बर्थडे टू यू सो हैप्पी बर्थडे एंड भगवान इनको बहुत लंबी उम्र दे और ऐसी हमारी बहुत सारा सक्सेस मिले और बहुत 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 खुश रहें। आपका जो है न्यू ईयर पर जो गाना आया था उसके बारे में कुछ बताया केसरी जी के साथ में? हाँ, वैक्सीन बहुत ही सुपरहिट गाना है और मज़ा भी आया वैक्सीन का शूट करते हुए, जैसा कि जिस एल्बम में एक्ट कर देते हैं वैसे ही सुपरहिट। सो थैंक यू, आप लोग कैसा लगा यहाँ बहुत के मज़ा आया ना हम लोग के साथ भी इंटरव्यू करके? थैंक यू सो मच। बहुत खास मौका है और मैं क्या बोलूँ, मैं उनको देख के ही बहुत कुछ सीखी हूँ, इंडस्ट्री में मेरे आने का एक वजह है, तो मैं इनको गुरुजी मानती हूँ। पवन जी का बर्थडे है एंड बहुत सौभाग्य की बात है कि इनका 36 बर्थडे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, और होपफुली बहुत बहुत ढेर सारी ब्लेसिंग्स उनके लिए कि वो हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और बहुत 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 तरक्की करें, और आई थिंक इससे कहीं ज़्यादा, और हमेशा एक हिस्ट्री में हिस्टोरिकल नेम हो जाए। पवन जी के साथ किस तरह की मेमोरीज, किस तरह की यादें शेयर करती हैं आप? मैं बहुत स्पेशल इसलिए फील करती हूँ क्योंकि मैं सपेरा फिल्म से लॉन्च हुई थी, जिसके फिल्म के हीरो पवन जी थे, और मैं तब कुछ भी नहीं थी, एज ओनली थिएटर आर्टिस्ट थी, और एक बहुत लकी था कि पवन जी के साथ मेरी फिल्म आई थी, एंड दैट्स अ वेरी बेस्ट मेमोरी। कोई गाना गा के सुनाना चाहेंगे? सॉरी, मैं सिंगर नहीं हूँ, लेकिन लेकिन पवन जी के लिए मेरे बस एक बहुत दो चार शब्दों में बस ढेर सारी ब्लेसिंग्स है मेरी तरफ से, गोल्डन वर्ड्स है। माता रानी हमेशा उनको हमेशा, जैसे वो हमेशा माता रानी का नाम लेके हर जगह अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, दैट्स वेरी गुड, एंड बस वही बोलूंगी कि ईश्वर हमेशा इनके साथ रहे। 2021 आ चुका है, कौन से नए प्रोजेक्ट के साथ आप सबके सामने पेश होने वाली हैं? बहुत ढेर सारे प्रोजेक्ट्स हैं क्योंकि अभी लॉकडाउन लग चुका था, और बहुत ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी रिलीज पे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं क्या स्थिति है,
और ऐसे हॉल्स नहीं मिल रहे हैं और तमाम चीज़ें हो रही हैं। वैसे अभी कुछ फिल्में हैं जो एज अ गिफ्ट में रखना चाहूँगी, एज अ सरप्राइज रखना चाहूँगी अपने ऑडियंस के लिए, तो जस्ट वेट एंड वॉच, अच्छा एक कॉन्सेप्ट मिलेगा आपको। थैंक यू सो मच।